हेलो एवरीवन वेलकम बैक इंडियंस की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम लोग गुड फेथ में एक बहुत ज़्यादा काम करते हैं और इसी कारण से हम लोग अपने पैसे दे देते हैं दूसरों को मतलब कि एक तरह से उधार दे देते हैं और फिर जब वक्त आता है उस उधार को वापस लेने का तो अगली पार्टी डिनाई कर देती है अक्सर इस तरह के केसेस देखे गए हैं जब किसी ने पैसे लिए आपसे और उसने आपके पैसे आपको ही लौटाने से मना कर दिया इस सिचुएशन में लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो अपने हार्ड एंड मनी को किसी को दे रहे हैं गुडफेथ में तो वो एक्सपेक्ट भी करेंगे कि उन्हें वापस मिल जाए पैसा अब पैसे के लिए दुनिया भर में डिस्प्यूट्स होते हैं बट जहाँ पर गुडफेथ में ज़्यादा काम होती है भरोसे पर लोग ज़्यादा चलते हैं वो है हमारा देश यहाँ पर किसी को भी उधार की ज़रूरत होती है तो छोटे से छोटे अमाउंट से लेकर के बड़े से बड़े अमाउंट हम लोग आराम से दे देते हैं बट जब इस तरह की प्रॉब्लम आती है कि आपसे जिसने पैसे लिए वो आपको ही पैसे नहीं दे रहा वो डिनाई कर रहा है आपके साथ बदतमीजी कर रहा है कि आपको आपके पैसे नहीं देगा आपको जो करना है कर लो उस वक्त पे इंसान बहुत ज़्यादा डर जाता है उसे डर सताता है कि वो अपने पैसे ना खोदे इसलिए इस वीडियो में सारी जानकारी मिलेगी आपको जिससे कि आप अपने मनी को वापस ले सकें अगला इंसान अगर उस पर आप इस तरह से कार्रवाई करोगे तो आपको हाथ जोड़कर पैसे लौटा कर देगा आपके पास में तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो रिकवरी नाव डेज इज़ वेरी हार्ड अब रिकवरी हार्ड क्यों है क्योंकि लोग अक्सर भूल जाते हैं प्रूफ रखना अब आपने किसी को पैसे दिए और उस पैसे देने के बाद उससे कुछ भी रिटर्न एग्रीमेंट नहीं करवाया तो वहाँ पर आपकी सबसे बड़ी भूल होने वाली है जब भी आप कोई बड़ा अमाउंट दो किसी को भी तो उस वक्त पे ध्यान जरूर रखना कि उससे एक प्रोमिसरी नोट साइन करवा लो या फिर एग्रीमेंट डीड पर साइन करवा लेना कि वो इंसान आपको इस समय तक पैसे देगा बट अगर आपने इन सारी चीज़ों को फॉलो नहीं किया हो मतलब कि आपने उसे हार्ड कैश दिया ना कि आपने बैंक से ट्रांसफर किया तो आपके पास बैंक का भी प्रूफ नहीं है आपने बस दिया उसे हार्ड कैश और वो फिर मना कर रहा है कि तुम्हारे पास में क्या सबूत है कि मैंने तुमसे पैसे लिए हैं मैं नहीं लौटाने वाला पैसा तो उस वक्त पे आपको क्या करना है तो यहाँ पर आप बस एक ही काम कर सकते हो क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ही ऊपर है तो आपको ही प्रूफ इकट्ठे करने होंगे अब आपको उस इंसान से कन्फेस करवाना होगा उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं जैसा कि पहले आप पुलिस में कंप्लेंट कर सकते हो पुलिस उससे स्टेटमेंट लेगी तो वहां पर हो सकता है कि वो इंसान सच बोल दे पुलिस के डर से अगर ऐसा नहीं होता है तो उससे पहले आपको क्या ट्राई करना चाहिए कि आपको कोई भी टेलीकोम्युनिकेशन के माध्यम से यानी कि फोन कॉल करके या फिर व्हाट्सएप चैट्स में या फिर किसी भी मैसेंजर के चैट में उससे यह कबुलवाना है कि हाँ उसने पैसे लिए हैं इसके लिए आप सिंपली उस इंसान से पूछ सकते हो कि मुझसे जो पैसे लिए थे वो तुम कब लौटा रहे हो मुझसे इतने पैसे लिए थे वो कब लौटा रहे हो उसने वहाँ पे कुछ भी लिख देना है अगर वो इंसान वहाँ लिखता है मैं नहीं लौटाने वाला या फिर मैंने लिया था तो मैं क्यों लौटाऊ तुम्हारे पास क्या सबूत है तो वो आपके लिए एज अ एविडेंस काम करेगा तो अब बात हो गई प्रूफ की बट प्रूफ आने के बाद आप अपने पैसे वापस कैसे लोगे उससे प्रूफ तो आपने इकट्ठे कर लिए तो आपको यहाँ पर केस करना होगा अब वो आप केस दो तीन तरीकों से कर सकते हो सबसे पहला केस आप अगर करना चाहते हो कि आपके पैसे जल्दी मिल जाए तो उसके लिए आपको एक समरी सूट फाइल करनी होगी सिविल प्रोसीजर के ऑर्डर 37 में समरी सूट फाइल होती है जिससे कि आपके पैसे मिलते हैं और इनका निपटारा बहुत जल्दी होता है तो इस तरह से आपको वहाँ से पैसे वापस मिल सकते हैं दूसरा आप केस जो करना चाहो तो वो केस आप कर सकते हो उस पर क्रिमिनल नेचर का क्रिमिनल कोर्ट में केस कर सकते हो जिसमें कि फॉर्जरी वगैरह होना चाहिए बट आपको प्रूफ जरूर देने होंगे फॉर्जरी वगैरह के तभी वो केस आपका कारगर होने वाला आपको पैसे मिलने वाले हैं उस केस से थर्ड टाइप का केस जो होता है वो आपका क्वाजी नेचर का होता है मतलब इसमें आप क्रिमिनल भी केस कर रहे हो सिविल केस भी कर रहे हो क्रिमिनल केस इसलिए कर रहे हो क्योंकि उसने आपसे धोखाधड़ी की फॉर्जरी की चार सौ बीसी की है उसने आपके साथ में तो उस कारण से आप उस पर क्रिमिनल केस कर रहे हो और सिविल केस इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको रिकवरी चाहिए अपने पैसे वापस चाहिए तो इसलिए आप वहाँ पर क्वाजी नेचर का एक केस कर सकते हो अब लिमिटेशन एक्ट तो यही कहता है कि जब भी आप किसी को पैसे दो और उस पैसे देने के बाद में अगर वहाँ पर एक एग्रीमेंट हुआ है तो उस एग्रीमेंट का जो फाइनल डेट होता है मतलब जिस डेट को आपको पैसे वापस मिलने वाले हैं उस डेट के तीन साल बाद तक अगर आपने कोई भी कार्रवाई नहीं की है उस आदमी से या फिर उसके बाद दूसरा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है कि वो आपके पैसे कब लौटेगा तो फिर वहां पर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए आपके ही पैसे वापस लेने के लिए अब आप सोच रहे होगे कि अपने ही पैसे वापस लेने के लिए इसमें आपको कुछ खर्च करना पड़ेगा कोर्ट के चक्कर लग जाएंगे पुलिस के चक्कर लग जाएंगे आपके पैसे खर्च होने वाले हैं तो हाँ आपके पैसे खर्च होने वाले हैं बट आपको आपके पैसे वापस भी मिल जाएंगे वो कैसे क्योंकि आप केस कर रहे हो तो वहाँ पर आप क्लेम कर सकते हो जो भी डैमेजेस आपने सहे हैं जो भी आपको लॉस हो गया है वो सारा चीज़ जो भी आपका पैसा लग गया इस केस को करने में आने जाने में वो सारा चीज़ आप क्लेम कर सकते हो अपोजिट पार्टी से और कोर्ट डिसाइड करेगा कि वो आपको कितने पैसे वापस करेगा एक्स्ट्रा में जो कि उसने आपसे लिए थे अब समरी सूट ही बेस्ट ऑप्शन होने वाला है क्योंकि ये आपके पैसे भी बचाएगा और आपका टाइम भी बचाएगा क्रिमिनल केसेज में होता क्या है कि कोर्ट्स के पास बहुत सारे केसेज होते हैं तो वहाँ पर टाइम ज़्यादा लग जाता है डेट्स बहुत सारी मिलती हैं तो क्रिमिनल केस करना यहाँ पर एक स्मार्ट मूव नहीं होगा बट यहाँ पे अगर आप सिविल सूट करोगे समरी सूट करोगे तो वो ज़्यादा स्मार्ट नेचर का केस होगा आपके ओर से तो आपको वही करना चाहिए एक और काम आप कर सकते हो कि आउटसाइड द कोर्ट आप उससे आर्बिट्रेट कर सकते हो मतलब कि मीडिएटर्स के थ्रू या फिर कुछ भी तरीके से बातचीत करके निपटारा कर सकते हो अब एक लास्ट और इंपॉर्टेंट बात कोई भी आप केस कर रहे हो या फिर आर्बिट्रेशन कर रहे हो या फिर किसी भी तरीके से उससे पैसे वापस मांग रहे हो तो वहाँ पर सबसे पहले आपको उसके पास एक लीगल नोटिस भेजना होगा अपने एक वकील से मिलिए एक लीगल नोटिस तैयार करवाइए और उसके पास भेजिए अब ऐसा भी हो सकता है कि आपने उससे चेक लिया हो जो कि चेक उसने दिया हो फॉर सियोरिटी आप वो चेक बैंक में डाल सकते हो अगर वो चेक बाउंस किया तो फिर ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में चला जाएगा ये सारा केस भी तो इस तरह से आप अपने पैसे वापस ले सकते हो वीडियो को देखने के बाद आप लोगों ने तो सीख लिया कि अपने पैसे कैसे वापस लें जो आपने किसी को उधार में दिए बट क्या क्या बातों का ध्यान रखना आपको किसी को भी पैसे देने से पहले पहला कि उसका आपके पास प्रूफ होना चाहिए हार्ड कैश देने से बचें बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र करें या फिर किसी ऐप से यू ट्रांसफ़र करें जिसमें कि प्रूफ हो कि हाँ इस अकाउंट से इस अकाउंट पर पैसे गए हैं दूसरी बात कि आप एक प्रोमिसरी नोट उससे साइन करवा लें प्रोमिसरी नोट साइन करवाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कोर्ट जाएं एक प्लेन पेपर पे भी साइन करवा सकते हैं बाद में आप उसे कोर्ट से रजिस्टर करवा लें या फिर ना भी करवाएं तो चलेगा उससे कन्फेस करवा कर रखें पहले से ही व्हाट्सएप से या फिर कैसे भी फ़ोन कॉल से आप उन सारे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को अपने पास में रखें इन सब के आपके पास में होने के बाद अगर कोई आपसे पैसे लेता है और लौटाने से डिनाई करता है तो उसको उसका भुगतान करना पड़ जाएगा वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू अगर वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास में और वीडियो को लाइक जरूर कर देना कमेंट जरूर करके बताना कि आप अगला टॉपिक कौन सा देखना चाहते हो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय टेक केयर